जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों नई वैकेंसी आ चुकी है आप लोगों के लिए CISF की, और जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि फायरमैन के जो पद है वो 1130 पद है और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। खैर फायरमैन के हिसाब से तो बड़ी वैकेंसी है, ठीक है। आने वाले टाइम पर बहुत सारी वैकेंसी भी आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए हम CISF के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं क्या क्या वैकेंसियों में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए रहेगा, क्या रहेगा, ठीक है। उसकी सारी की सारी जो संपूर्ण जो जानकारी है, फिजिकल कब होगा, एग्जाम कब होगा, हम एक एक चीज की जानकारी यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए 1130 पद यहां पर देखने को मिल रहे हैं फायरमैन के, ठीक है। चलिए यहां पर जिन भी बच्चों की क्या है इच्छा है कि हमें CISF में जाना है, तो आप लोग बहुत शानदार तरीके से क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और आप देखोगे कि यहाँ पर सिलेबस बहुत शानदार है, ठीक है, और बहुत सरल भी देखने को आपको मिलेगा। पेपर भी बहुत शानदार देखने को मिलेगा, जैसे आप लोगों ने इससे पहले SSC GD का दिया होगा वैसे ही आपको देखने को मिलता है। तो चलिए हम एक एक बार यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मैं आप लोग को एक एक जानकारी दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल सटीक जानकारी देने वाला हूं, और वो चीजें जो कि आप लोग के काम की है, ठीक है। सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं हम यहां पर कि जो क्या है आपका कांस्टेबल जो फायरमैन है ये केवल किसके लिए है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये मेल के लिए है, केवल किसके लिए है, ये केवल ये जो वैकेंसी है आपकी केवल मेल के लिए है, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, मेल के लिए है। केवल पुरुष कर सकते हैं फॉर्म फिल कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा कि यहां पर जो एप्लीकेशन की जो डेट है वो कब से चालू होने वाली है, तो ध्यान रखिएगा 31 अगस्त से चालू होने वाली है, और वो कब तक रहेगी, तो 30 सितंबर तक क्या रहने वाला है, इसकी जो डेट है वो रहने वाली है, ठीक है। क्लोजिंग डेट वही कह रहा है भाई, ठीक है, 30 सितंबर 2024 तक, ठीक है। यहां पर कह रहे केवल और केवल कौन फॉर्म फिल करने वाले भाई, मेल जो है वो फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अब अगर हम यहां पर देखें तो इसका जो एग्जाम का पैटर्न है तो वो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या होने वाला है यहां पर आप लोगों का फिजिकल होगा, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, फिजिकल होने वाला है, ठीक है। फिजिकल के साथ साथ क्या होगा आपका, ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट क्या होगा, वेरिफिकेशन होता है। फिर इसके बाद में क्या होगा आपका, एग्जाम होगा, क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, और इसके बाद में आप लोग का क्या होगा, मेडिकल होने वाला है, ठीक है भाई। तो ध्यान रखिएगा यहां पर ये सारी जो चीजें हैं मैं आप लोग को एक एक करके बता देता हूं। देखिए सबसे पहले क्या होगा इसमें जो प्रोसेस है, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, PET होने वाला है। इसके बाद में जो होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, PST होगा। इसके बाद में साथ ही साथ क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन जो होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और रिटर्न एग्जाम होंगे। और उसके बाद में इस रिटर्न एग्जाम का ध्यान रखिएगा, यहां पर स्पष्ट कहा गया कि या तो हम OMR सीट्स के माध्यम से क्या लेंगे, एग्जाम लेंगे, या फिर किसके माध्यम से, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है आपका, है ना, CBT, है ना, वो लेंगे। और उसके बाद में क्या लिया जाएगा आपका, मेडिकल एग्जाम होगा। ध्यान रखिएगा ये जो एग्जाम है ना आपका, ठीक है, फायरमैन का, उसके लिए पहले क्या होने वाला आपका, फिजिकल होगा, ठीक है, फिजिकल होगा। फिजिकल मतलब पहले तो क्या आपका दौड़ होगा, दौड़ के साथ में क्या हो जाएगा आपका, इसी के साथ में जो आपका क्या है, PST होने वाला है, उसमें क्या हो जाएगा आपका, सीना वगैरह मापा जाएगा, ठीक है, हाइट वगैरह मापी जाएगी। और उसके बाद में उसी समय क्या हो जाएगा आपका, डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन होने वाला है। फिर उसके बाद में आपका रिटर्न एग्जाम होता है, ये विशेषकर इन वैकेंसियों में देखने को मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा आपका, मेडिकल होने वाला है, ठीक है। तो इसकी आगे जो जानकारी हम यहां पर पूरी की पूरी देख लेते हैं, चलिए एक एक करके जानकारी देखते हैं। यहां पर जो पे स्केल है, ठीक है, मैं एक एक चीज बताने वाला हूं। जो पे स्केल जो है आपको, सैलरी जो मिलने वाली है, Level 3 की वैकेंसी है ये, ठीक है, 21,700 से लेकर के 69,100 तक क्या मिलेगी आपको, सैलरी मिलेगी। बाकी जो अन्य जो मिलता है लाभ वो और अलग से मिलेगा, ठीक है। यहां पर अगर हम वैकेंसी की बात करें दोस्तों, किसकी बात हम करेंगे, वैकेंसी की अगर हम बात करें तो अलग अलग स्टेट की क्या है यहां पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। और सबसे ज्यादा आपको इस बार जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी कहां की, असम की। कहां की मिलेगी, असम की, यहां पर क्या है वैकेंसी देखने को आपको मिल रही है। अलग अलग क्या है आपकी वैकेंसी है, बिल्कुल आप स्टेट वाइज क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा स्टेट वाइज क्या करेंगे आप, फॉर्म फिल करेंगे, और आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो भी स्टेट वाइज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर ये सारी जानकारी जो है आपकी, टोटल 1130 पद है, 1100 क्या है, 30 पद है, और 1130 पद में आप देखने को मिलेगा आपको कि अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो आप जिस भी स्टेट से अगर आप देख रहे हैं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि आप लोगों के किस स्टेट की जो है कितनी वैकेंसी है, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले क्या है आपका, अंडमान एंड निकोबार की तो लगभग जीरो है,
आंध्र प्रदेश की टोटल अगर देखा जाए तो 27 और 5 हो गई यहां पर, ठीक है। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश की कितनी है, 15 है। असम की कितनी है, 164 है, ठीक है। बिहार की कितनी है, 56 है, ठीक है। चंडीगढ़ में है, सॉरी चंडीगढ़ में है नहीं, ठीक है। अगर हम देखें छत्तीसगढ़ में दो तरह से बटी हुई है, ठीक है, 14 और 41, 14 और कितनी है, 41 है इंटायर स्टेट में, और नक्सल जो क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर कितनी है, 41 है, ठीक है। अंडमान दादरा नगर हवेली वगैरह में है नहीं, ठीक है। दिल्ली में कितनी है, 9 है टोटल, ठीक है। गोवा में कितनी है, 1 है, ठीक है। गुजरात में कितनी है, 32, ठीक है। हरियाणा में 14 है, ठीक है। अगर हम यहां पर देखें हिमाचल प्रदेश में कितनी है, 4 है, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर में जो देखने को मिलेगी वो आपको 65 देखने को मिलेगी, ठीक है। झारखंड में जो टोटल मिलेगी आपको दो क्षेत्र देखने को मिलेंगे, 18 और कितनी मिल जाएगी, 29 मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में कर्नाटका में जो देखने को मिलेगी वो आपकी 33 है, ठीक है। केरला में कितनी है आपकी, केरला में जो है वो दो तरह से है, ठीक है, 18 और 19 वैकेंसी है, ठीक है। लद्दाख में 1 है, ठीक है, लक्षद्वीप में है नहीं, ठीक है। इसके बाद में मध्य प्रदेश में टोटल जो वैकेंसी है वो क्या है आपका, 39 और 17 है। ध्यान रखिएगा आप स्टेट वाइज भरेंगे, ठीक है, बिल्कुल। महाराष्ट्र में कितनी देखने को मिलेगी आपको, दो तरह से बटी हुई है, 61 और कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, ठीक है। मणिपुर में कितनी आपकी, 16 है। मेघालय में 22 है, ठीक है। मिजोरम में 8 है, और नागालैंड में क्या देखने को मिलेगा आपको, 15 देखने को मिल जाएगी, ठीक है भाई। यहां पर और वैकेंसी दी है, उड़ीसा में कितनी है देखिए आपको, 23 और 41 वैकेंसियां हैं, ठीक है। पांडिचेरी में क्या कितनी है आपकी, 1 है, ठीक है। पंजाब में कितनी आपको देखने को मिल जाएगी, 15 मिल जाएगी टोटल। राजस्थान में जो देखने को मिलेगी वो 37 मिलेगी, ठीक है, 37, ठीक है। सिक्किम में क्या है, 0 मिलेगी। तमिलनाडु में कितनी है, 39 है, ठीक है। तेलंगाना में 19 और 7, 19 और क्या है आपकी, 7 है, ठीक है ना। त्रिपुरा में जो देखने को मिलेगी वो आपको 29 मिलेगी, और उत्तर प्रदेश में सेकंड नंबर में उत्तर प्रदेश है, ठीक है, जिसमें कितनी है, 108 वैकेंसी। कितनी दोस्तों, 108 वैकेंसी, ध्यान रखिएगा ना। उत्तराखंड की अगर हम बात करें ना तो 5 वैकेंसी देखने को मिल रही है हमें, ठीक है, उत्तराखंड में है ना, 5 वैकेंसी, ठीक है। और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में 49 और 6 वैकेंसी। तो टोटल मिलाकर के जो वैकेंसी है वो 1100 कितनी है आपकी, हाँ 30 वैकेंसी है। कितनी है, 1100 कितनी है, 30 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर मैं कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूं, कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे अपन, तो यहां पर पहली कैटेगरी किसकी है, यूआर की, यूआर EWS, SC, ST, OBC, ठीक है। तो यहां पर देखो UR की टोटल कितनी है, 466 पद है, ठीक है। EWS के 114 पद है, SC के कितने हैं, 153, 161 किसके हैं, ST के और OBC के कितने हैं, 236 पद है, ठीक है। टोटल मिलाकर कितनी है यहां पर, हाँ हाँ SC और ST, ठीक है, बिल्कुल। तो 1100 कितने हैं, 30 पद आपको देखने को यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्या, टोटल क्या है, वैकेंसी की बात, ठीक है। अब हम आते हैं, मैंने आपको एक एक स्टेट की बता दिया, ठीक है। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपका, एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन जो आपका, एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है कि आप कितने पास है कि आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो हम यहां पर बात करेंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर आप 12th पास है, लेकिन ध्यान रखिएगा 12th के साथ में आपको क्या होना चाहिए, हाँ विथ साइंस सब्जेक्ट, क्या होना चाहिए, साइंस क्या होना चाहिए सब्जेक्ट के साथ में, अगर आप पास हो मतलब आप आर्ट्स वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर कंपलसरी कर दिया गया है कि अगर आप 12th पास हैं, क्या है आप 12th पास है, ठीक है, 12th के साथ में आपका क्या होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, ठीक है भाई। साइंस अगर बैकग्राउंड से अगर आप आते हैं, ठीक है, अगर आपका साइंस है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये यहां पर कंडीशन है। फिर इसके बाद आती है आपकी एज लिमिट की, किसकी बात आती है, एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है वो 18 से कब तक है, 23 तक है, 18 से कब तक है, 23 तक है। लेकिन इसके साथ में क्या है आपका, ध्यान रखिएगा 18 से 23 तक, ये कब काउंट होगी आपकी। तो यहां पर कई बार प्रश्न आता है, आप लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कब से कब तक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट में, मैं बिल्कुल आंसर दूंगा आप लोगों का। लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग कि 18 से 30 23 तक, तो ये कब तक होनी चाहिए, अगर आप कितने तक, हाँ 30 सितंबर 2024 तक, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर आप 18 साल के हो जाते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर आप 23 के हो गए तो आप तब तक भी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब 30 सितंबर तक बस आप क्या है 23 साल के होने चाहिए, लेकिन इसके बाद भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो कैसे, वो ऐसे कि आपको रिलैक्सेशन दे रहा है,
किसमें दे रहा है भाई? आपको छूट दे रहा है किसमें? एज में, एज रिलैक्सेशन दे रहा है। अगर आप एससी एसटी के हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आप 23 और 5 कितने 28 साल के भी अगर हैं तो आप एससी एसटी के हैं तो आप 28 साल तक भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, पहली चीज। अगर आप ओबीसी के हैं 3 साल अगर आपको छूट दी जा रही है, मतलब आप कितने साल तक, यहां पर ध्यान रखिएगा, 23 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 26 साल तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं मेरे भाई। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आप लोगों के पास में मिनिमम तो 18 चाहिए चाहिए, साथ में उसके क्या होना चाहिए आपका, हाँ अगर आपकी 23 है और 23 से ज्यादा भी हो गई है तो बिल्कुल दिक्कत ना ले, आप 28 तक अगर आप एससी एसटी के तो भर सकते हैं, ओबीसी के तो आप 26 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब आगे बात करते हैं हम आगे एप्लीकेशन फी की, तो एप्लीकेशन फी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबकी कितनी लगती है? 100 लगती है, किसको छोड़ करके? एससी और एसटी को छोड़ करके, ठीक है। एससी और एसटी और जो एक्स सर्विस मैन है इनको छोड़ करके क्या हो जाएगा आपका, 100 रुपीज किसकी लगेगी? बाकी सभी की लगेगी, ठीक है। इनकी कोई भी फीस नहीं लगेगी, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल जीरो फीस है, ठीक है। ये फीस की बात हो गई, ठीक है, आगे बढ़ते हम, ये फीस हो गया आपका। अब आते हैं क्या मेन, ठीक है, ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें क्या है, सबसे पहले क्या आपका फिजिकल टेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट है पीईटी, इसके बाद में क्या है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं अपन पीएचटी, फिर इसी के साथ साथ क्या हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी, ये एक साथ होने वाला है। ये क्या होगा आपका, सबसे पहले यही होगा, ध्यान रखिएगा, पहले ये होगा। तो फिजिकल में क्या होगा आपका, फिजिकल होगा आपका पीएचटी हो जाएगा आपका पहला, ठीक है, पीईटी, ठीक है, पीईटी हो जाएगा, पीएचटी हो जाएगा और डीवी हो जाएगा, ठीक है। ये एक साथ क्या होंगे, जब आपको सबसे पहले जब फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो ये तीनों चीजें क्या हो जाएगी आपकी, एक साथ हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा आपका, फिर जब ये आप क्या करोगे, आप ये निकालोगे, फिजिकल निकालते हो, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद में आपका क्या होगा, रिटर्न एग्जाम होगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, रिटर्न एग्जाम इसके बाद होगा, ठीक है, रिटर्न एग्जाम क्या होगा इसके बाद होगा, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा आपका, मेडिकल होगा, क्या होगा मेरे भाई, मेडिकल होने वाला है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अभी आगे हम यहां पर देख लेते क्या क्या रहेगा, देखिए ये दिया है आपका, अब यहां पर देखो फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट है पीईटी जो है, इसमें क्या है 5 किलोमीटर, कितने मेरे भाई 5 किलोमीटर जो है, ठीक है, रनिंग जो है, दौड़ जो है वो 24 मिनट में आपको तय करना है, कितने मिनट में तय करना भाई, 24 मिनट में तय करना है, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका 5 किलोमीटर, ठीक है, अगर आप कितने मिनट में दौड़ते हो, 24 मिनट में दौड़ लेते हैं तो आप क्या हो जाओगे, फास्ट हो जाओगे यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पीईटी हो गया, इसके बाद में क्या होगा, ये पीईटी है, ठीक है, जिसमें पीईटी में केवल क्या है आपका, दौड़ है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में पीएचटी में क्या देखने को मिलेगा आपको, कि आपकी हाइट मापी जाएगी, ठीक है, क्या मापी जाएगी, हाइट मापी जाएगी, ठीक है, हाइट, चेस्ट और वेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाइट, चेस्ट और वेट इसमें क्या है शामिल है। हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई 170 सेंटीमीटर, चेस्ट कितना बिना फुलाए, 80 फुलाने के बाद में, ठीक है, एक्सपेंशन के बाद में कितना होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों चीजें यहां पर होती है, दोनों चीजें क्या होगी यहां पर, यहां पर क्या है, दोनों चीजें बिल्कुल होगी, ठीक है। इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन किसको छूट दी जाएगी ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी कैंडिडेट कहां से है, हाँ जैसे हिमाचल प्रदेश का क्या है आपका गढ़वाल क्षेत्र है, कुमाऊं क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, ठीक है, नहीं उत्तराखंड वाला भाग हो गया, हिमाचल वाला भाग हो गया, ठीक है, गोरखास हो गए, ठीक है, डोगरा हो गए, सिक्किम हो गए, मराठास हो गए, इनको क्या है लद्दाख वाले क्षेत्र के, इनको क्या दिया जाएगा, केवल 165 सेंटीमीटर इनको लिया गया है, 78 से 83, ठीक है, 78 बिना फुलाए और फुलाने के बाद में क्या है 83 सेंटीमीटर इनको चेस्ट दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हाइट और चेस्ट बिल्कुल कंपलसरी है। तो 170 सेंटीमीटर और चेस्ट कितना जाएगा 80 से 85, ठीक है भाई। अब आप ध्यान रखिएगा, जब इसको क्या करेंगे आप निकालोगे एग्जाम, तो इसके बाद में इसी समय क्या होता है डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, तो दोनों एक साथ हो जाता है, तीनों चीजें एक साथ हो जाएगी, ठीक है, वहां पर मतलब फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद में आपका क्या होगा रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, क्या होगा रिटर्न एग्जामिनेशन। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए क्या कर दिया गया है, ओएमआर सीट, ओएमआर है ना मतलब ऑफलाइन, या फिर सीबीटी मतलब ऑनलाइन, ठीक है भाई, सीबीटी,
ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर क्या है OMR। OMR का मतलब क्या हो गया, ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन, ये डिपेंड करेगा आपका CISF पर, ये किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। उसने स्पष्ट कहा है कि या तो OMR सीट के माध्यम से लेंगे या फिर क्या लेंगे हम, हाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ होने के बाद में है ना, ये सब कुछ होने के बाद में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, OMR या फिर CBT मोड में क्या होगा आपका एग्जाम होगा। अब ये जो एग्जाम कंडक्ट होगा ना, ध्यान रखिएगा, अगर आप फिजिकल आपने निकाल लिया, फिजिकल निकालने के बाद में आप क्या करते हैं, किसमें अगर एग्जाम में अगर क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं या क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो वही महत्वपूर्ण है। अगर हम एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे तो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए एग्जाम निकालना क्या है, कंपलसरी है। फिजिकल निकालना बस कंपलसरी नहीं है, एग्जाम निकालना भी क्या है, कंपलसरी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। तो अब हम इसके बाद में क्या होगा, हाँ फिजिकल के बाद में क्या होगा आपका, आपका एग्जाम होगा। तो अब वो डिपेंड करेगा वो CISF पर। ठीक है, तो अब ये जो एग्जाम है आपका, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्जाम जो है ना वो कितने नंबर का है दोस्तों, तो 100 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। ठीक है, और 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 100 क्वेश्चन होंगे। अब ये कितने भागों में बटा हुआ है, तो ये 4 भागों में बटा है मेरे भाई। कितने भागों में, 4 भागों में ये बटा हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में। ठीक है, पार्ट ए में जो है इंटेलिजेंस, जो आपका क्या है, हाँ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला भाग है। कितने क्वेश्चन रहेंगे इसमें, 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के। ठीक है भाई, इसके बाद में क्या होगा, जनरल नॉलेज, ठीक है, एंड अवेयरनेस। ठीक है, जीके जो रहेगा वो कितना रहेगा आपका, 25 नंबर का, 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के। ठीक है, एलिमेंट्री जो मैथमेटिक्स है, मतलब सीधी सी बात है कि इसमें अरिथमेटिक क्या आएगा आपका, मैथमेटिक्स आने वाला है, 25 क्वेश्चन और 25 मिनट। ठीक है, इसके बाद में इंग्लिश या फिर हिंदी, इंग्लिश वाले इंग्लिश इंग्लिश में देंगे, इंग्लिश देंगे और हिंदी वाले हिंदी। ठीक है, 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 क्या रहेंगे आपके, मिनट रहेंगे, सॉरी 25 क्या रहेंगे आपके, मार्क्स रहेंगे। टोटल मिलाकर कितने हो रहे हैं आपके, 100 हो रहे हैं। और 100 के बाद में जो टाइम मिल रहा है आपको, वो कितना मिल रहा है, 120 मिनट। मतलब कितने घंटे, 2 घंटे आपको मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं मेरे भाई, 2 घंटे आपको यहां पर मिलेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सिलेबस आपका क्या होता है, SSC GD का होता है, वही सिलेबस लगभग लगभग आपको क्या देखने को मिल जाएगा, फायरमैन का देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पर 80 क्वेश्चन आते हैं, यहां पर कितने आपके, 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें क्या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या नहीं है मेरे भाई, नेगेटिव। सबसे महत्वपूर्ण जो है ना वो क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नो नेगेटिव, नेगेटिव क्या मार्किंग, ध्यान रखिएगा, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा आप लोगों के हिसाब से, ये पेपर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहां पर इतनी बातें सबको समझ में आ गई होगी, उम्मीद कर सकता हूं। आगे देखते हैं हम। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूं, अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, मैथ की तैयारी करना चाहते हैं आप लोग, ठीक है, यहां पर GK GS की तैयारी करना चाहते हैं, रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल में बकायदा जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्या आपका, जैसे आपका क्या हो गया, जीके वाला भाग हो गया, तो जीके वाले भाग में अगर आप जुड़ोगे तो आप इसी चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, जीके और करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप रीजनिंग और मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा चैनल, जो हमारा ही चैनल है, SR इंस्टीट्यूट मैथ एंड रीजनिंग, उसे ज्वाइन करें आप, तो मैथ और रीजनिंग आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक है, बहुत शानदार तैयारी आपकी हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि हिंदी जो है, हिंदी भी आप लोग को करवा दें, क्योंकि आने वाले टाइम पर अभी क्या होने वाला है आप लोग का, SSC GD का जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है। ठीक है, तो वो भी जब आएगा तो आप लोग के लिए बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी आने वाला है, तो वो इसके लिए तो हम फिर हिंदी भी क्या करेंगे आप लोगों के लिए, लाएंगे। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि हिंदी भी ला दें, बाकी ये जो चीजें हैं आप लोगों को दोनों चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, और अगर नए हैं आप लोग चैनल में, तो बकायदा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन तुरंत आता है, ताकि आप लोग को तुरंत ही क्या हो जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम। यहां पर बात कर लिया था। ठीक है, कुछ और काम का है क्या, नहीं। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा आपका, मेडिकल होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेडिकल होगा, है ना, क्या होगा यहाँ पर, मेडिकल होने वाला है। ठीक है भाई, ठीक, इसके बाद मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद में क्या हो जाएगा आपका, हाँ यहाँ पर और एक चीज और याद कर दीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर क्या है आप लोग का, ये सारी चीजें होने के बाद में आपका मेडिकल होगा, और इसके बाद में ये स्पष्ट कहा गया है कि UR EWS और एक्स सर्विसमैन को 35% लाना कंपलसरी है।
एससी एसटी ओबीसी को कितना 33%। ये केवल कहने की बस बात है कि भाई 35% और 33% इससे कम हम लेंगे नहीं, लेकिन हमेशा मेरिट क्या होती है, मेरिट जो होती है ना वो इससे अधिक में आती है, मेरिट क्या होती है इससे अधिक में ही जाती है, इसलिए ये क्या है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे ज्यादा ही मेरिट जाती है। ठीक है, इसके बाद में ध्यान रखिएगा मेरिट जो लिस्ट बनेगी वो कैसे बनेगी, ध्यान रखिएगा है ना, मेडिकल होने के बाद में फिर आपका क्या होगा ये सारी चीजें होगी, तो मेरिट जब बनेगी, तो मेरिट जब बनती है ना दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा मेरिट इसमें जो बनेगी वो किस तरह से बनेगी, ध्यान रखिएगा स्टेट वाइज बनेगी, साथ में साथ क्या हो जाएगा यूटीज के आधार पर बनेगी। ठीक है, राज्यों के आधार पर और केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर क्या बनेगी यहां पर मेरिट बनने वाली है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से क्या करें आप तैयारी करें, बाकी जो काम की चीजें थी वो इतनी ही थी आप लोगों के लिए। ठीक है, जो पूरी की पूरी जानकारी जो है मैंने आप लोगों को आपके साथ साझा कर दिया है। ठीक है, आप लोग टाइम से क्या करें फॉर्म फिल करें। ठीक है, आने वाली डेट है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद जय भारत।